गैंगस्टर विकास दुबे का एनकाउंटर किया जा चुका है, लेकिन एनकाउंटर से 12 घंटे पहले विकास दुबे क्या सोचता था, उसके मन में क्या चल रहा था और उसने पुलिस वालों से क्या सवाल पूछा, ये तमाम जानकारी हम आपको देंगे। दरअसल ये तमाम जानकारी हमने उस टीम के सदस्य ली है जो उस समय उस गाड़ी में विकास दुबे के साथ सफर कर रहा था। सूत्र का कहना है कि यूपी का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे गुरुवार को उज्जैन में पकड़े जाने के बाद से टेंशन में था। विकास इतनी टेंशन में था कि उज्जैन से लेकर कानपुर तक के 12 घंटे के आखिरी सफर में रात भर में उसने एक झपकी नहीं ली। शायद उसे इस बात का अंदाजा था कि पुलिस कुछ बड़ा खेल कर सकती है और इसी मानसिकता के चलते उसने सफर के दौरान यूपीएसटीएफ के अधिकारियों से कई सवाल किए और इसी 12 घंटे की यात्रा में यूपीएसटीएफ के अधिकारियों ने कई सवाल विकास दुबे से किए, लेकिन जवाब देते वक्त विकास के चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी। विकास ने 50 से अधिक पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम गिनाए जिनकी उन्होंने अब तक मदद की थी। कानपुर, उन्नाव, लखनऊ के कई बड़े नेताओं के नाम का खुलासा किया और वो इतने बड़े नाम थे कि साथ बैठे एसटीएफ के अधिकारी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अधिकारियों को आश्चर्य बढ़ते हुए देख विकास ने मुस्कुराते हुए कहा कि बिकरू कांड उससे गुस्से में हो गया, वरना वो पुलिस वालों को बहुत हेल्प करता है। इसके बाद उसने एसटीएफ के अधिकारियों से पूछा कि आगे उनका क्या प्लान है। उसने उम्मीद जताई कि अगर उसे जेल भेज दिया जाएगा तो कुछ महीनों या सालों बाद उसे जमानत मिल जाएगी। इससे पहले 5 लाख के इनामी विकास दुबे से उज्जैन पुलिस ने भी लगातार 8 घंटे पूछताछ की थी। इसके बाद उसने यूपीएसटीएफ को सौंप दिया था और यूपीएसटीएफ शाम 6 बजे उसे सड़क मार्ग के जरिए कानपुर के लिए निकली थी और शुक्रवार सुबह 6:30 बजे कानपुर से 17 किलोमीटर पहले भोती में पुलिस की गाड़ी पलट गई, जैसा कि पुलिस का कहना है, जिसमें विकास भी बैठा था और इस दौरान उसने भागने की कोशिश की और इस मुठभेड़ में वो मारा गया। ये पुलिस की थ्योरी है। अब बात करते हैं उन कबूलनामों और खुलासों की जो इस 12 घंटों में विकास दुबे ने किए। उसने कहा कि उसने अब तक 50 से भी ज्यादा पुलिस वालों की मदद की है, जिनमें 3 एडिशनल SP और 2 IPS अधिकारी हैं। यही नहीं, विकास ने सबका नाम, पद और पोस्टिंग भी बताई। इसके साथ ही विकास ने कानपुर, उन्नाव और लखनऊ के कई बड़े नेताओं का नाम लिया, जिसमें विधायक से लेकर मंत्री तक शामिल हैं। इसके बाद विकास ने दिवंगत CEO देवेंद्र मिश्र से अपनी चिढ़ और घृणा का राज भी बताया। उसने बताया कि CEO अक्सर उसको धमकी देते रहते थे और हद में रहने की बात करते थे, लेकिन वो चाहता था कि उसके गांव और आसपास के इलाके में थाने की नहीं बल्कि उसका राज चले। पुलिस का दखल उसे पसंद नहीं था और यही बात जो उज्जैन में भी विकास ने पूछताछ के दौरान बताई थी। विकास ने बताया था कि CEO उसे लंगड़ा कहते थे और इसीलिए उसने CEO की हत्या करने के बाद उनकी टांग काटी थी और ये मेरे लिए काफी शर्म की बात थी कि कोई मेरे ही क्षेत्र में मुझे इस तरह से कहे, इसलिए मैंने सोच रखा था कि CEO को निपटाऊंगा। जब विकास से पूछा गया कि तुम्हारी घृणा CEO से थी, फिर अन्य पुलिस वालों का क्या दोष था, तो इसके जवाब में विकास ने कहा कि उसे इसका पश्चाताप है। विकास का कहना था कि गुस्से में इतना बड़ा कांड हो गया, लेकिन इतने लोग मारे जाएंगे इसका अंदाजा उसे नहीं था, लेकिन इतना बड़ा कांड करने के बाद भी उसे लगता था कि उसके खास लोग जो सरकार में पहुंच रखते हैं उसको बचा लेंगे। रास्ते में उसने लगातार कई बार एसटीएफ से पूछा कि आगे वो क्या करने वाले हैं, क्या वो जिसको जेल भेजेंगे, यानी वो काफी चिंतित था कि अगले पलों में एसटीएफ क्या करने वाली है। उसे ये भी डर था कि कहीं एसटीएफ एनकाउंटर ना कर दे, इसलिए वो पुलिस वालों की मन की बात लेना चाहता था। विकास दुबे का एनकाउंटर हो चुका है। विकास के अलावा उसके करीबी प्रभात मिश्रा, बउआ, अमर दुबे, प्रेम प्रकाश पांडे, अतुल दुबे का भी एनकाउंटर हो चुका है। नामजद 21 लोगों में से 12 अभी फरार हैं। वहीं चौबेपुर के SRA विनय तिवारी, दरोगा के शर्मा समेत 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी विकास दुबे के अंतिम 12 घंटे की कहानी, जिसमें वो अपनी जिंदगी को लेकर और पुलिस एक्शन को लेकर काफी चिंतित था और लगातार एसटीएफ से सवाल कर रहा था कि वो आगे क्या करने वाली है। साथ ही इस दौरान उसने कई बड़े खुलासे किए, जिसमें पुलिस अधिकारियों से लेकर बड़े नेता शामिल हैं, जिनके साथ उसके गहरे संबंध थे। साथ ही उसने पुलिस वालों को ये भी बताया कि वो पुलिस वालों की काफी हेल्प करता रहता है और ये कांड गुस्से में हो गया ताकि पुलिस वालों की सिंपैथी उसे प्राप्त हो सके। और आगे क्या हुआ ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको सब पता है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।